नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया है। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठकें होंगी। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्लेकार्ड्स नहीं ला सकते, सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। उधर राज्यसभा ने एएपी सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया। वे अगस्त 2023 से निलंबित चल रहे थे। इसके लिए भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव रखा था। पीएम ने कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब ये ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। जब आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो एंटी इनकम बेसी फैक्टर खत्म हो जाता है। नई संसद है, कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं, उन्हें दूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि स्पीकर और उपराष्ट्रपति के निर्देशन में संसद चलेगी। सत्र के लिए हम विपक्ष के साथियों के साथ चर्चा करते हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। सभी सांसद ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके आए, बिलों पर अच्छी बहस हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आए। जब चर्चा नहीं होती तो देश इन चीज़ों को मिस करता है। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूँ तो विपक्ष के साथियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले 9 साल की नकारात्मक छोड़कर सकारात्मक लेकर आइए, सबका भविष्य उज्जवल है। बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारिए। लोकतंत्र के मंदिर के वो मंच मत बनाइए, थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। देश हित में सकारात्मकता का साथ दीजिए। देश के मन में कुछ बातों को लेकर नफरत पैदा हो रही है, उसे दूर कीजिए। सदन कार्यवाही में सहयोग दीजिए, देश को सकारात्मकता का संदेश दें। लोकतंत्र में विपक्ष में महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान है। अब देश विकसित होने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। सभी सांसद इस भाव का आदर करते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ बने रहे।